welcome back to my channel. So ये जो आज का location है वो है मेरा office/dressing room. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं computer जहाँ पर मैं पढ़ाई करती हूँ, कुछ video editing करती हूँ. और जो camera के पीछे है जो आप देख नहीं सकते वो है मेरा dressing room. यहाँ पे पूरे पीछे मेरे कपड़े फैले हुए हैं, तो मैं आपको दिखाऊँगी नहीं क्योंकि आप बहुत डर जाओगे. Anyway, लगभग एक महीना हो चुका है कि मैंने वीडियो अपलोड नहीं करा. और जो रीज़न है वो ये है कि मेरे साथ एक हादसा हुआ था. नाउ एवरीथिंग इज़ ओके, अब सब कुछ ठीक है. लेकिन अगर आप मेरे को इंस्टाग्राम पर फॉलो करते हैं तो शायद आपको पता होगा कि मेरे साथ क्या हुआ था. सो बेसिकली अभी सब कुछ ठीक है, तो प्लीज़ आप वॉरी, आप चिंता मत करिए. बेसिकली तीन हफ्ते पहले यहाँ पे कोरिया में एक बहुत बड़ा फेस्टिवल था जो कि है चुसोक. चुसोक का मतलब होता है थैंक्सगिविंग. सो वो था कोरियन थैंक्सगिविंग डे. तो यहाँ पे 4-5 दिन की छुट्टी मिलती है और सब फैमिली एक सब मिलजुल के खाना खाते हैं, खाना बनाते हैं, साफ सफाई करते हैं. तो एक बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है यहाँ पे कोरिया में. तो ऑफकोर्स उस टाइम मेरी छुट्टी थी, तो शाम का टाइम था. तो मैं, मेरे डॉग है मोंगमोंग, उसको मैं बाहर घुमाने लेने गई थी. और तब मैं उसको बाहर घुमा रही थी तो अचानक से एक बहुत मोटा सारा सफ़ेद कुत्ता आया और उसने छलान मार के जंप करके मेरे कुत्ते को, मोंगमोंग को बाइट कर दिया. तो मुझे बहुत डर लगा क्योंकि ये जो सफ़ेद कुत्ता है उसकी जो ब्रीड है वो है चिंदो. तो चिंदो जो ब्रीड होती है वो कोरिया की नेशनल ब्रीड है. मतलब कि ये जो कोरिया का नेशनल डॉग है, बहुत ही फेमस ब्रीड है कोरिया में. और ये ब्रीड जानी जाती है क्योंकि वो काफ़ी लॉयल होती है. सो ये जो चिंदो डॉग होते हैं वो काफ़ी लॉयल डॉग होते हैं. लेकिन जो बैड, बहुत बुरी बात है उनकी, वो ये है कि वो हंटिंग डॉग होते हैं. मतलब कि वो शिकार करने वाले डॉग होते हैं. तो उनको अगर एक छोटा जानवर मिलता है, जैसे कि बिल्ली या मोंगमोंग है जो मेरा कुत्ता है, वो काफ़ी स्मॉल साइज़ है, तो वो उनके साथ उनकी वो हंटिंग करना चाहते हैं, उनको वो शिकार करना चाहते हैं. तो उस कुत्ते ने क्या करा कि मेरे डॉग की शिकार करी, मतलब कि उसके ऊपर जम करके उसको बाइट करा. तो मोंगमोंग की यहाँ पे जो सारा पेट है वहाँ पे वो बाइट, मतलब कि छेद हो गए थे दांत के कुत्ते के, और बहुत सारा खून आ रहा था. तो वो एक हॉलीडे डे था तो मुझे बहुत डर लग रहा था कि मैं क्या करूं. तो थैंकफुली यहाँ पे कोरिया में बहुत सारे लोग हैं जो बच्चे नहीं पालते लेकिन कुत्ते पालते हैं. तो थैंकफुली यहाँ पे बहुत सारे सर्विस हैं, बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं जो कि खासकर कुत्तों के लिए होते हैं. तो वो एक प्राइवेट हॉस्पिटल था जहाँ पर मैं उसको लेके गई थी. और क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल है और खासकर एक छुट्टी का दिन है, एक नेशनल हॉलीडे है, तो वो 24 घंटे खुला हुआ रहता है. लेकिन उसका प्राइस जो होता है बहुत महंगा होता है. तो थैंकफुली वो हॉस्पिटल खुला था तो मैं मोंगमोंग को हॉस्पिटल लेके गई और वहाँ पर उसकी बहुत अच्छी तरह से देखभाल करी. उसकी जो जहाँ पे लगी हुई थी उसको साफ़ करा, उसको थोड़े उसको क्लीन करा, सैनिटाइज़ करा. और फिर मोंगमोंग वहाँ पर 3 दिन तक लगातार रहा, मतलब कि वहाँ पर ही खाना खाना, सोना. उसको वहाँ पे मॉनिटर कर रहे थे क्योंकि एक प्रॉब्लम हो गई थी कि जो उसका फेफड़ा है, लंग्स, उसमें जो कुत्ते का दांत है वो लंग्स तक अंदर चला गया था. तो डॉक्टर को डर था कि अगर उसके फेफड़े में, उसके लंग्स में एक छेद हो गया तो जीना मुश्किल हो जाता है. मतलब कि फेफड़े में से हवा निकल रही है, वो अच्छी तरह से सांस नहीं ले सकता. तो उसकी वजह से डॉक्टर ने बोला कि हम इसे 3 दिन तक यहाँ पे रखेंगे, उसको मॉनिटर करेंगे और देखेंगे कि ये जो छेद है जो उसके फेफड़े में हुआ है वो बड़ा छेद है, छोटा छेद है. और धीरे धीरे उसकी जो पूरी बॉडी है मेरे कुत्ते की, मोंगमोंग की, वो पूरी हवा से भर रही थी क्योंकि जो हवा है वो लंग से बाहर निकल रही थी और जो बाकी बॉडी पार्ट्स में वो जा रही थी. सो एनीवे 3 दिन तक वो हॉस्पिटल में रहा. फिर बाद में एक हफ्ते तक लगातार 3 दिन के बाद में घर पर आया. और फिर एक हफ्ते के लिए मैं हमेशा उसको दिन में एक बार डॉक्टर के पास लेके जाती थी. वहाँ पे उसकी बैंडेजेस वगैरह चेंज करते थे, उसको सैनिटाइज करते थे. और अब सब ठीक है, अब वो काफ़ी हेल्थी है, सब बढ़िया है. थैंकफुली उसे कोई ट्रामा नहीं है. वो काफ़ी चंचलाट है अभी भी, तो एवरीथिंग इज़ ओके नाउ.
तो ये है मेरी स्टोरी टाइम कि क्यों मैंने एक महीने तक वीडियो अपलोड नहीं करा, क्योंकि मैं काफ़ी डर गई थी और मैं मेरे जो कुत्ते की है मोंगमोंग की केयर कर रही थी कि मैं उसके साथ टाइम गुजारूं, उसके साथ रहूं, क्योंकि वो ज़्यादा हिल नहीं सकता, ज़्यादा चल नहीं सकता, कूद नहीं सकता, तो बार बार हमेशा मैं उसको गोदी में लेके उसको नीचे बेड से नीचे उतारना, सोफे से नीचे उतारना, उसका खाना अलग से उसका खाना बनाना, क्योंकि उसका खून बहुत बह चुका था तो उसके लिए एक अलग ही खाना उसके लिए बनाना पड़ता था, और उसकी जो बार बार उसकी साफ़ सफाई करनी थी जहाँ पे उसकी लगी हुई थी, तो उसकी वजह से मेरा मन भी नहीं था, मेरी एनर्जी भी नहीं थी कि मैं आपके साथ एक हंसी मजाक का वीडियो बनाऊं, तो इसीलिए मैंने वीडियो नहीं बनाया. एंड आई विल सी यू वेरी वेरी सून इन माई नेक्स्ट वीडियो. मैं क्योंकि अभी मोंगमोंग ठीक हो चुका है तो मैं अभी बहुत सारे वीडियो बना सकती हूँ. सो थैंक यू सो मच फॉर वेटिंग एंड आई लव यू सो मच. बाय.